नमस्कार दोस्तों, प्रिया डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लॉगरिथम पढ़ रहे हैं। लॉगरिथम तीन पार्ट्सों में कंप्लीट होगा। जैसे लॉगरिथम का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था, ये पार्ट फर्स्ट है। वीडियो के अंत में अगर वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले हम लॉगरिथम को पढ़ने से पहले इसकी बेसिक बातों को अध्ययन करते हैं। जैसे log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n होता है, log m अपॉन n बराबर log m माइनस log n होता है, log m की पावर n बराबर n log m होता है, log m लिमिट n बराबर log n अपॉन log m होता है, log 10 एक होता है, log 0 एक होता है, log e लिमिट e बराबर एक होता है, log एक का मान 0 होता है, log a लिमिट m बराबर k है। यदि यहां से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो a बेस में पहुंच जाएगा और k पावर में पहुंच जाएगा, अर्थात m बराबर a की पावर k हो जाएगा। लॉगरिथम का पहला प्रश्न है log 64। तो इसे सॉल्व करने से पहले हमें ऑप्शनों पर विशेष तौर से ध्यान रखना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें प्रश्न को सॉल्व करना होता है कि लॉग में आंसर देना है कि नॉन लॉग में आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, लॉग 2 इस 64 को 2 की पावर 6 लिखेंगे। यहां पर हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके लॉग m की पावर n बराबर n लॉग लॉग m अर्थात n आगे आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम 6 को आगे ले आएंगे तो 6 log 2 हो जाएगा और log e into e बराबर 1 होता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये कुछ ऐसी पावर दिखाई दे रही है, तो इसका मान 6 into 1 अर्थात 6 इसका आंसर हो जाएगा। इसे दूसरे प्रकार से भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अगर समझ में ना आया हो तो। जैसे लिखा है log 64, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं log 64 बटे log 2। हम 64 को ऐसे लिख सकते हैं log 2 की पावर 6 बटे log 2। यहां से 6 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 6 log 2 बटे लॉग 2। लॉग 2 से लॉग 2 कट जाएगा, आंसर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, लॉग 12 144 प्लस लॉग 13 169। तो इसे भी दोस्तों उसी प्रकार से कर सकते हैं जैसे इसके ऑप्शन है, ऑप्शनों पर विशेष तौर से ध्यान रखना है। लॉग 144 को हम 12 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसे 169 को हम 13 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये पावर आगे आ जाएंगे, 2 log 12 प्लस 2 ये आगे आ जाएगा 13। तो ये e की पावर e अर्थात e लिमिट e हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 2 और 2 इसका आंसर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा इस प्रकार से, log 100 प्लस log 1000। इसके ऑप्शन है 1, 2, 3 और 5। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करना है। तो जैसे देखिए दोस्तों log इस 100 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 2 प्लस log 10, ये 1, 2, 3 जीरो है तो मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूं। इसे हम log m की पावर n अर्थात log m इंटू n की तरह सॉल्व कर सकते हैं, अर्थात पावर आगे की तरफ आ जाता है। तो 2 log 10 प्लस ये 3 आगे आ जाएगा, 3 log 10। तो log 10 का मान अर्थात log e पावर ई एक होता है, तो ये ई और ये लॉग 10 इंटू 10 एक हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, 2
और प्लस 3 बराबर 5 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इस प्रकार से है, लॉग 125 प्लस लॉग 8 बराबर एक्स है, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है। यहाँ वैल्यू ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है, पहले से थोड़ा अलग है, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम इंटू एन, तो ये लॉग एम प्लस लॉग एन है, तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग एम इंटू एन बराबर एक्स, तो 125 सट्ठे 1000 होगा, तो लॉग 1000 बराबर एक्स। तो दोस्तों हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, तो लॉग हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटेगा, तो लॉग 10 और ये 1, 2, 3 है, तो 10 की पावर 3 बराबर एक्स, ये 3 लॉग एम की पावर एन है, तो आगे आ जाएगा, ये 3 पावर हमेशा आगे आ जाती है, तो 3 लॉग 10 बराबर एक्स, ये लॉग ई की पावर ई, 18 लॉग 10 एक का एक होता है, तो 3 गुणा 1 बराबर एक्स, तो x की वैल्यू आपका 3 आंसर हो जाएगी, जो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इस प्रकार से है, लॉग 3/5 प्लस लॉग 5/36 प्लस लॉग 12, इसको सॉल्यूशन करना है, ऑप्शन ए 1 है, बी 2 है, सी 0 है और डी 3 है। तो देखिए दोस्तों लॉग m प्लस n बराबर लॉग होता है लॉग m इंटू n, तो ठीक इसी प्रकार से हम इसमें से लॉग बाहर ले लेते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 3/5 है तो 3/5 लिख दिया, ये प्लस है, ये प्लस है जो गुणा में हो जाता है, तो इसे गुणा लिख सकते हैं, ये 5/36 है, प्लस को गुणा में कन्वर्ट करते हैं और ये 12 है, अंदर सॉल्यूशन कर लेते हैं, 12 3 36, 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, तो कटता है तो 1 आता है, घटता है तो 0 आता है, तो लॉग 1 आया, और नियमानुसार लॉग 1 का मान 0 होता है, तो लॉग 1 का मान 0 लग दिया, और इस प्रकार से सी ऑप्शन मेरा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इस प्रकार से है, लॉग 75/16 माइनस 2 लॉग 5/9 प्लस लॉग 32/243, ऑप्शन है 0, 1, 2 और 3। तो देखिए दोस्तों इसे इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे यदि हमें लॉग m इंटू एन बराबर लॉग m प्लस n के फॉर्मूले में दिया है, तो यहाँ 2 है तो 2 को हम यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि लॉग m की पावर n बराबर लॉग m इंटू एन होता है, तो जब घात आगे आ सकती है तो ऊपर भी जा सकती है, तो लॉग 75/16 माइनस लॉग 5/9 का होल स्क्वायर, ये ऊपर लेके गया मैं, प्लस लॉग 32/243, ये माइनस है वो भाग में हो जाएगा और जो प्लस है वो गुणा में आएगा, तो लॉग मैंने बाहर निकाल लिया है, 75/16 ये माइनस है जो भाग में होगा और ये 25/25 और 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, और ये प्लस है वो गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा 32/243। दोस्तों ये भाग में कोई संख्या सॉल्व नहीं होती, तो गुणा में करेंगे तो पलट देंगे इसे, तो लॉग 75/16 गुणा 81/25 मैंने पलट दिए गुणा 32/243 सॉल्व करते हैं, 81 3 243, 25 3 75, 3 से 3 कट गया, 16 2 32, तो लॉग 2 इसका आंसर हो जाएगा, तो इसमें एक ऑप्शन नहीं है, तो ई अपने से बना लेते हैं, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज लॉग 2 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इस प्रकार से है, 2 लॉग 11/13 प्लस 2 लॉग
130 अपॉन 33 माइनस लॉग 4 अपॉन 9 है। ऑप्शन है 2 लॉग 5, 3 लॉग 7, 0 और 1। तो देखिए दोस्तों, इसे पहले भी मैंने बताया था कि n log m होता है log m की पावर n। इसे ऊपर लेके जाके रख सकते हैं, इसे भी ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा log 11 बटा 13 की पावर 2 प्लस log 130 बटा 33 की पावर 2 माइनस log 4 बटे 9। तो जो प्लस है वो गुणा में कन्वर्ट होगा, जो माइनस है वो भाग में कन्वर्ट होगा। वो भाग में संख्या सॉल्व नहीं होती, तो इसे एक बार और पलट के एक ही स्टेप में इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने लॉग कॉमन ले रखा है। आगे 11 बटा 13 वर्ग है तो दो बार लिख लेते हैं, 11 बटा 13 ये प्लस है जो गुणा में कन्वर्ट होगी, 130 बटा 33 गुणा 130 बटा 33 ये माइनस है जो भाग में कन्वर्ट होगी। भाग में संख्याएं सॉल्व नहीं होती तो गुणा करना है, तो एक बार पुनः कन्वर्ट फिर कर देंगे तो 9 बटे 4 हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं, 11 से 11 तिया 33, फिर 11 से 11 तिया 33, 3 त्रिका 9 से 9 गया, 13 से 13 धाम 130, 13 से 13 धाम 130। दो से काट सकते हैं, दो दुनी 4, दो पंजा 10, फिर दो से काटेंगे, दो पंजा 10। तो बचा है log 5 × 5 25, ऑप्शन में नहीं है तो आगे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, log 5 की पावर 2 25 को लिख सकते हैं। ये पावर है वो आगे आ जाती है, log m की पावर n होता है n log m, तो आगे 2 log 5 इसका सही जवाब होगा, जो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 इस प्रकार से है, 1/2 log 25 माइनस 2 log 3 प्लस log 18 का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन 0 है, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है। तो देखिए दोस्तों, इसे ऐसे कर सकते हैं हम, पहले यहाँ पावर नहीं है तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, 1/2 log 10 लिमिट में है, 25 को 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ पावर पहले से दिया है, 2 log 3 प्लस log 10 18 जैसे का तैसा मैंने लिख दिया। ये जो आगे दिए हैं ये संख्याएं वो सब पावर में चली जाएंगी, जहाँ पे भी है ये पावर में चली जाएंगी। तो log 5 की पावर 2 और ये पावर में जो आगे है वो पावर में जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, माइनस log ये पावर में जाएगा तो 2 हो जाएगा ऊपर जाके 3 की पावर, प्लस log 10 18। और जो माइनस है वो भाग में बदलेगा, पहले एक स्टेप और लेते हैं, log 5 माइनस log 3 की पावर 2 तो ये हो जाएगा 9, ये लिमिट चल ही रहा है साथ साथ, प्लस log 18। अब देखिए हम log यहाँ से log 10 हमने कॉमन लिया है, तो 5 ये माइनस है वो भाग में बदलेगा, तो 9/1 है तो 1/9 हो जाएगा, गुणा में 1/9 हो जाएगा, प्लस है वो गुणा में जाएगा, 18 कट कर देते हैं, 9 से 9 दूनी 18, तो 5 दूनी 10, तो log 10 log e लिमिट e 1 होता है, अर्थात log 10 की पावर 10 1 हो जाएगा, इसका जो सही जवाब होगा अर्थात बी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इस प्रकार से है, log 8 माइनस log 4 अपॉन log 12 माइनस log 6। तो देखिए दोस्तों, log 8 माइनस log 4 ये माइनस है, यानी log m माइनस log n, ये भी इसी फॉर्मेट में है, log m माइनस log n, यहाँ m 12 है और n 6 है, ठीक उसी प्रकार से ऊपर है, तो इसे हम लिख सकते हैं log m माइनस n, मतलब log m अपॉन n, log m माइनस n log m अपॉन n, तो ये log 8/4 log
बारह बटे छ। तो दोस्तों इसे काट देते हैं, छदूनी बारह, लॉग दो नीचे आ गए, चार दूनी आठ, लॉग टू पर आ गए। तो लॉग टू अपॉन लॉग टू, लॉग टू से लॉग टू एक बार कट गया, अर्थात एक इसका करेक्ट जवाब है, जो ऑप्शन ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दसवां इस प्रकार से है, लॉग लिमिट 25 125 माइनस लॉग लिमिट 8 और 4 दिया है। तो दोस्तों इसके आंसर काफ़ी अच्छे हैं, 5 बटे 6, बी 6 बटे 5, सी 1 बटे 2, डी 3 बटे 4 फ्रैक्शन में आंसर दिए हैं। तो देखिए दोस्तों इसे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ किसी की भी पावर करके ये 25 नहीं हटने वाला है, यहाँ से भी 8 हटने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक लॉग ई की पावर ई नहीं बनेगा तब तक ये लॉग नहीं हटेगा। तो इसे ऐसे कर सकते हैं हम लोग, जैसे इसमें ये फॉर्मूला दिया है लॉग लिमिट एम की पावर एन, या लॉग लिमिट एम इंटू एन बराबर लॉग एन अपॉन लॉग एम होता है। इस चार फॉर्मूले का प्रयोग करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो लॉग 125 बटे लॉग 25 माइनस, जैसे कहते हैं सर इसे लिख सकते हैं लॉग 4 बटे लॉग 8। इस 125 को मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, लॉग 5 की पावर 3 बटे लॉग 25 को मैं लिख सकता हूँ लॉग 5 की पावर 2 माइनस, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ लॉग 2 की पावर 2 बटे लॉग 8 को लिख सकता हूँ मैं लॉग 2 की पावर 3। ये पावर है, ये आगे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग 5 3 लॉग 5, ये दो आगे आ जाएंगी तो 2 लॉग 5 हो जाएगा माइनस, ये दो आगे आ जाएगी 2 लॉग 2 बटे 3 लॉग 2, ये लॉग 5 लॉग 5 लॉग 2 लॉग 2 ये सब कट जाएगा। तो दोस्तों 3 बटे 2 और 2 बटा 3 बचा हुआ है, इसे यहाँ सॉल्व कर सकते हैं हम। जैसे 3 बटा 2 माइनस 2 बटा 3 एलसीएम आएगा 6, तो आप भिन्न करना अच्छे से जानते हैं, 2 तीय 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया तो 5 बटे 6, जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां इस प्रकार से है, लॉग बी लिमिट में है, ए इंटू लॉग सी लिमिट में है, बी इंटू लॉग ए लिमिट में है और सी, इसके ऑप्शन 0 1 2 और 3 दिए हैं। तो देखिए इसे अभी जैसा कि मैंने बताया था कि इससे प्रीवियस क्वेश्चन बताया था कि लॉग एम लिमिट में एन है तो लॉग एन अपॉन लॉग एम हो जाता है। तो इसे भी हम ठीक इसी प्रकार से देख सकते हैं, लॉग ए अपॉन लॉग बी गुणा जैसे कि तैसा है लॉग बी अपॉन लॉग सी गुणा जैसे कि तैसा है लॉग सी अपॉन लॉग ए। तो देखिए लॉग ए यहाँ है, लॉग बी यहाँ है, कट जाएगा, लॉग बी यहाँ है, लॉग बी यहाँ है, कट जाएगा, लॉग सी यहाँ है, लॉग सी यहाँ है, कट जाएगा, तो एक आंसर हो जाएगा जो आपका बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 इस प्रकार से है, लॉग ए अपॉन बी प्लस लॉग बी अपॉन ए बराबर लॉग ए प्लस बी, ऑप्शन इस प्रकार से दिए हैं, ए ऑप्शन है 1 बराबर ए प्लस बी, बी ऑप्शन है माइनस 1 बराबर ए प्लस बी, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन 0 दिया है। तो आइए दोस्तों इसे करते हैं, इसमें से लॉग हटाना पड़ेगा। तो देखते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, यहाँ एम ए अपॉन बी है और एन बी अपॉन ए है, तो इसे लिख सकते हैं लॉग बाहर निकाल देते हैं ए बटे बी और प्लस है वो गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर लॉग एम इंटू एन होता है तो प्लस गुणा में कन्वर्ट हो जाता है, तो बी अपॉन ए बराबर लॉग ए प्लस बी, लॉग से लॉग मैंने काट लिया, ए से ए भी कट गया, बी से बी भी कट गया, एक बचा यहाँ बराबर ए प्लस बी, अत्यंत सरल प्रश्न है जो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां इस प्रकार से है,
थ्री लॉग टू प्लस टू लॉग थ्री प्लस लॉग फाइव बराबर लॉग के हो तो के का मान हमें ज्ञात करना है। जो दिए हैं के की वैल्यू दिए हैं, ए ऑप्शन में 420, बी ऑप्शन में 360, सी ऑप्शन में 720 और डी ऑप्शन में 120 दिया है। तो देखते हैं, यहाँ लॉग पहले एक जैसा नहीं है, एक जैसा करने के लिए हम यहाँ जो आगे संख्या दिए हैं इसे पावर में बना देते हैं। ये सारे के सारे पावर यहाँ नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा लॉग 2 की पावर 3 प्लस लॉग 3 की पावर 2 प्लस लॉग 5 बराबर लॉग के। यहाँ से हम देखते हैं लॉग बाहर ले लेते हैं, तो लॉग बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर 2 की पावर 3 होता है 8 और लॉग m प्लस का गुणा हो जाता है, तो मैंने गुणा कर दिया, ये 3 की पावर 2 हो गया 9, ये प्लस वाला है वो गुणा में हो जाएगा 5, जैसे का तैसा हो जाएगा बराबर लॉग के हो गया, लॉग से लॉग मैंने काट दिया, तो 972 पंया 360 इसका सही जवाब होगा, जो कि वैल्यू आ गई 360 अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 इस प्रकार है, लॉग लिमिट 3 इंटू एक्स बराबर माइनस 2 हो तो एक्स बराबर क्या होगा, तो ऑप्शन ए माइनस 9, बी माइनस 6, सी माइनस 8, डी 1/9 है। तो देखिए इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने दोस्तों बताया था आपको कि लॉग ए लिमिट एम बराबर के हो तो एम की वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो ये वाली चीज यहाँ से यहाँ चली जाती है, तो कुछ इस प्रकार से ये यहाँ ए 3 है, एम है वो एक्स है और जो के है वो 2 है, इस 9 नंबर फॉर्मूले का उपयोग करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे 3 को उठा के आप सीधे यहाँ रख दीजिए, तो एक्स बराबर 3 की पावर माइनस 2। अब आपने देखा होगा कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/a, अर्थात किसी भी संख्या की पावर अगर माइनस में है तो उसे अपॉन में ले जाते हैं, तो इसे भी हम लेके जाते हैं x बराबर 1/3 की पावर 2 जो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 1/3 की पावर 2 9 हो जाता है, अर्थात 1/9 इसका सही जवाब होगा, जो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 इस प्रकार से है, लॉग लिमिट 5 कोष्टक बंद लॉग लिमिट 2 कोष्टक बंद लॉग लिमिट 3x बराबर 0 हो तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें ऑप्शन इस प्रकार से दिए हैं। तो आइए देखिए, हमने कहा था कि यहाँ से log x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, तो दोस्तों यहाँ से मैंने अभी बताया था कि log a लिमिट m बराबर k है, यदि यहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो लिमिट यहाँ से बेस में चली जाती है और ये दी हुई संख्या पावर में हो जाती है, तो मैं यहाँ से लेके जाता हूँ और यहाँ इसको जमा देता हूँ तो ये log हट जाएगा, तो बचेगा log 2 log 3 एक्स बराबर ये 5 यहाँ और ये 0 ये। तो दोस्तों ए की पावर 0 आप देखें अर्थात संख्या की पावर 0 1 होता है, तो फिर से इसे मैं लिख सकता हूँ log 2 log 3 एक्स बराबर ये 1 होता है। पुनः से उसी प्रकार फिर अपन दोहराते हैं, ये 2 यहाँ से जाएगा और यहाँ जाके इसे हम पुनः से फिर जमा देंगे, तो ये बचेगा log लिमिट 3 एक्स बराबर 2 की पावर 1 जो हमेशा 2 ही होता है। तो फिर से हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे फिर से हटा के मैं यहाँ फिर जमा देता हूँ, तो एक्स बराबर 3 यहाँ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा पावर में, तो 3 की पावर 2 जो होता है 9 जो बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब। तो दोस्तों कैसा रहा मेरे प्रिय छात्रों, वीडियो की बनाने की मैंने कोशिश की, उम्मीद है कि सही बना होगा गुरु महाराज पटिया वाले के आशीर्वाद से। वैसे ये मेरा काम तो है नहीं, लेकिन इस समय महामारी के चक्कर में मुझे ये सब चीज़ करना पड़ रहा है, वरना अपना ऑफलाइन क्लास बहुत बढ़िया चलता था। धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व्यू और सब्सक्राइबर करें, धन्यवाद।